अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी जमात अव्वल में उर्दू की उस्तानी। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम उर्दू में पढ़ेंगे नज़म अच्छी लिखाई, साफ़ सुथरी प्यारी राइटिंग। चलें बच्चों, अपनी किताब कारवाने उर्दू निकालें और उसका सफ़ा नंबर 131 खोलें। अच्छी लिखाई, साफ़ सुथरी प्यारी लिखाई, प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, घर के चांद सितारे बच्चों, प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, घर के चांद सितारे बच्चों। जिस तरह आसमान पर चांद सितारे होते हैं, उसी तरह ज़मीन के चांद सितारे कौन हैं? आप लोग प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे। नाना नानी दादा दादी सबने तुम पर जान फिदा की, नाना नानी और दादा दादी सबने आपको जो बहुत सारा प्यार दिया है, जान फिदा के मायने प्यार करते। मुश्किल अल्फाज को खत कशीदा करते रहे, कपड़े भी हैं साफ़ और सुथरे, जूते भी पॉलिश से निखरे। कपड़े जो हैं वो साफ़ सुथरे हैं और जूते पॉलिश करने के बाद निखर गए हैं। आदत भी है सबसे अच्छी, बातें भी करती है वो सच्ची। जो आपकी आदत है अच्छे बच्चों, वो बहुत अच्छी है और बातें भी आप सच्ची करते हो। मुश्किल अल्फाज को जिस तरह मैंने अंडरलाइन यानी ख़त कशीदा किया है, आप भी करते रहें और पढ़ते रहिएगा। इससे आपकी लिखाई और बुलंदखानी अच्छी होती जाएगी। लेकिन तुम में एक कमी है, और कमी ये सबसे बड़ी है। लेकिन वो बता रहे हैं कि प्यारे बच्चों, आप में कमी है और ये कमी सबसे बड़ी है। देखो ज़रा तुम अपनी लिखाई, कीड़े मकोड़ों जैसी लिखाई। अच्छे बच्चों, अपनी लिखाई देखो, कीड़े मकोड़ों जैसी है। कीड़े मकोड़ों जैसी यानी गंदी लिखाई है। काम तो तुमने ठीक किया है, जो पूछा था वही लिखा है। जो काम आपने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, जो पूछा था वही लिखा है। लेकिन कैसे हर्फ बनाए जिसको कोई समझ ना पाए। जैसे हमारी क्लासरूम में जमात में बच्चे काम तो सही करते हैं, लेकिन उनकी लिखाई अच्छी नहीं होती, जो समझ में नहीं आती है। सोच समझ कर साफ बनाओ, मोती जैसे लफ्ज़ सजाओ। सोचो समझो फिर आप लफ्ज़ बनाओ, मोती जैसे लफ्ज़ों को सजाओ। जिस तरह मोती चमकते हुए होते हैं साफ़ सुथरे, ऐसे आप लफ्ज़ों को सजाओ। वक्त मिले जब भी थोड़ा सा, आपको जब भी वक्त मिले लिखने पर दो ध्यान ज़रा सा। ध्यान के मायने तवज्जो दो ज़रा सा। जब आप अपने काम पर तवज्जो दोगे तो काम खुद ब खुद अच्छा होगा। अच्छी लिखाई शान तुम्हारी, होगी एक पहचान तुम्हारी। जब आपकी लिखाई अच्छी होगी तो आपकी पहचान होगी। जिस तरह हमारी जमात में बच्चों की लिखाई अच्छी होती है, तो टीचर उनकी कॉपी दूसरे बच्चों को देती हैं कि देखें, इनकी कॉपी से देख के जो काम रह गया है आप कर लें। अच्छी लिखाई की वजह से आपकी पूरी जमात में तारीफ़ होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस नज़म में यही बताया गया है कि अपनी लिखाई अच्छी करें। ये नज़म लिखी है सरवत सुल्ताना सरवत ने। प्यारे बच्चों, अपनी लिखाई पर तवज्जो दीजिएगा ताकि अच्छी लिखाई हो जाए। प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, अपनी लिखाई अच्छी करनी है, मोती जैसे लफ्ज़ बनाने हैं, और जब भी हमारे पास वक्त होगा हम अपनी लिखाई पर तवज्जो देंगे, जिसकी वजह से हमारी जमात में और घर में तारीफ होगी। चलें बच्चों, सफ़ा नंबर 134 खोलें। सवाल है, इन अल्फाज के जुमले बनाइए। अल्फाज जुमले, लिखाई, आदत, साफ, ध्यान, ये आपको किताब में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। लिखाई का आप जुमला बना सकते हैं, मेरी लिखाई बहुत अच्छी है। रोज़ाना खुशखती करने से लिखाई अच्छी होती है। नंबर 2 है आदत, मेरी कलमा पढ़कर सोने की आदत है। मैं अपने कपड़े साफ़ रखती हूँ, मैं अपनी लिखाई पर ध्यान देती हूँ। प्यारे बच्चों, आपको इन अल्फाज के जुमले खुद बनाने हैं, चलें आप जुमले बनाएं। अल्फाज ज़िद, ज़िद किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की उलट को ज़िद कहते हैं। जैसे यहाँ पर है ज़्यादा, ज़्यादा की उलट क्या होगी? कम। नंबर 2 है सच्ची, सच्ची की उलट झूठी। ठीक, खराब, साफ, गंदा, बड़ी, छोटी, थोड़ा,
ज्यादा। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज की आपको जिद लिखनी है। चलें आप जुमले और जिद लिखें। प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम मुकम्मल हुआ। आपको घर से करना है बुलंद खानी और ये जुमले अल्फाज जिद लिखनी है। अपने कोई भी काम को मम्मा से नहीं कराना है। आपको पता है कि अब हमारे फाइनल टर्म है। जिस तरह माय मार्च की इमली की लिस्ट हमारी डायरी पर चिस्पा की गई थी, इसी तरह माय अप्रैल की इमली की लिस्ट आपको स्कूल से मिलेगी। जब आप कॉपी का काम हैंड आउट की सूरत में स्कूल से लेने आएंगे तो इमली की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, अपनी लिखाई पर और बुलंद खानी पर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। आज का हमारा काम मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे कॉपी के काम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।